लास्ट टाइम में हमने मॉस्फेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, आज हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से मॉस्फेट एक वर्क करता है और किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं एनहेंसमेंट मोड के लिए और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये VGC है, आपके पास इस सर्किट डायग्राम है इसका, और सर्किट डायग्राम्स ये है, सर्किट डायग्राम्स मॉस्फेट का जिस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर आपके पास ये गेट वोल्टेज है, यहाँ से VGC वोल्टेज गेन टू सोर्स, और ये गेट सोर्स और ये ड्रेन, यहाँ पर ये ID ड्रेन करंट, और ये VDS ये आपके पास है वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन, और ये ड्रेन वोल्टेज। तो ये इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रहता है 330 ओम का। तो आपको एक इसका विजुअल जो है डायग्राम, ये इसका मॉस्फेट का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, VGS जिसको हमने आपको सर्किट डायग्राम में बताया था, VGS वोल्टेज गेन टू सोर्स, और ID करंट ड्रेन करंट, और VDS वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शंस कैसे करते हैं, 1 से लेकर हम यहाँ पे 1 को, क्योंकि 1 आपके पास है बीच में जुड़ा हुआ, दूसरा 2 से 2 में कनेक्ट कर लेते हैं, और आपके पास है 3 से 3, यहाँ बीच में आपके पास सीरीज फॉर्म में ड्रेन करंट जुड़ा हुआ है जो कि मिलीमीटर में है, और आपके पास जो VGC और VDS है ये दोनों वोल्टेज वोल्ट में है, 4 से 4 हमने जोड़ दिया है, और आपके पास 5 से आपके पास अगला जो टर्म है यहाँ पर 5, यहाँ से ये करंट पास हो रही है यहाँ पे, और 6 से और आपके पास है 6 कनेक्टेड हो गया। बाकी बचे हुए हैं आपके पास जो सर्किट 7, तो 7 हमने रजिस्टर्स को भी इस लास्ट सर्किट से जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को इस वोल्टेज गेट वोल्टेज से जोड़ देते हैं, जिससे हमें क्या करते हैं वोल्टेज को वेरी करवाते हैं, 9 से 9 एंड लास्ट 10 to 10। कहीं कहीं या ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने अभी देखा था कि कहीं पर वायर्स लूज रहती हैं, तो आप लूज वायर्स को चेक कर लें, तो लूज वायर्स का यूज ना करें, जिससे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही आएंगे, और आपकी जो रिकॉर्ड फाइल है उसमें आप अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं करंट और वोल्टेज के बीच 11 to 11। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है इस तरह से तैयार हो चुका है, काफी जो हमने पहले देख चुके थे, बिल्कुल इस तरह से डायग्राम हमने इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कनेक्ट कर लिया। अब हम इसमें रीडिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो रीडिंग कैसे देखते हैं, हमारे पास ये ऑन है, ये ऑफ पोजिशन, पहले हम ऑफ पोजिशन में देखते हैं कि सारी चीजों को ऑन करते हैं और सेट कर लेते हैं आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास दो मोड हैं, जिसे हमने पहले आपको बताया था, इसमें मॉस्फेट्स के दो मोड, इन इन्हेंसमेंट मोड, और दूसरा एनहेंसमेंट के थ्रू हम डिप्लीशन मोड एनहेंसमेंट मोड में हमने बताया था ये ओनली फॉर पी चैनल, और दूसरा आपके पास जो डिप्लीशन मोड है वो एन चैनल में होता है, और एन चैनल में खास तौर पर दोनों मोड को हम देख सकते हैं, दोनों मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, एनहेंसमेंट मोड के भी और डिप्लीशन मोड के। तो सबसे पहले हम इन्हेंसमेंट मोड के बारे में रिकॉर्ड देखेंगे कि किस तरह से रीडिंग आती है हमारी और किस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हेंसमेंट मोड के लिए VDS को सेट कर लेते हैं किसी उसमें,
ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इनहेंसमेंट मोड के लिए रीडिंग नोट करेंगे। तो इनहेंसमेंट मोड में हमारे पास सबसे पहले हम VDS, हमारे पास जो VDS है, VDS को एक कांस्टेंट वैल्यू पे टर्म सेट कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, और VGS और ID को वेरी करवाते हैं, और जिस तरह से हमारे पास VGS और ID की रीडिंग निकल जाती है। तो VDS को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पर डिवीजन है, यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं जैसे 5, 10 एंड 15 वोल्टेज हैं, तो यहाँ पे पर डिवीजन जो है 0.25 वोल्ट का है, 0.25 वोल्ट का। तो इस मीन हमारे पास जब हमारे 4 बॉक्स होंगे बीच में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिवीजन बने हुए, इसमें 1, 2, 3, 4। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एक डिवीजन है, एक वो 0.25 वोल्ट को सॉ कर रहा है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 जब हम लाइन क्रॉस कर लेंगे तो हमारे पास होगा 1 वोल्ट। ओके, आगे हम देख रहे हैं, तो हम इसको सबसे पहले ये वेरी करवाते हैं, तो हम 2.5 पर से सेट कर लेते, 2.5। तो हम यहाँ पे रीडिंग कैसे नोट करेंगे, हमारे पास जो VDS है उसे हम लिखेंगे 2.5 वोल्ट। अब हम यहाँ से इसके लिए 2 रीडिंग वेरी करेंगे, VGS और ID। और ध्यान है ये दोनों वोल्ट में, ये वोल्ट में, और ये ID जो है हमारे पास मिली एम्पियर। ओके, अब VGS को देखिए, VGS को अब हमने यहाँ पे सेट कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, यहाँ पे क्या होगा, VDS इज कांस्टेंट फिक्स कर दिया हमने। अब देखते हैं VGS के लिए हम रीडिंग नोट करेंगे। तो जैसे हमने VGS को आगे वेरी करवाया, और ध्यान दीजिए इसमें एक डिवीजन जो है 0.2 वोल्ट का, 0.2 वोल्ट। इस मीन्स जो हम 5 डिवीजन क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें 1 वोल्ट आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने इसको 1 वोल्ट दिया, 1। तो आपने देखा जब मैंने 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट, तो आईडी ने कुछ भी वेरी नहीं करा, तो इसका वेरिएशन जो था 0 है। फिर मैंने 2 वोल्ट पे रखा, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट में आईडी अभी भी 0 है। 3 वोल्ट, तो ध्यान देखिए जैसे मैं 3 वोल्ट पे ले जा रहा हूं वैसे करंट ने वेरिएशन करना शुरू कर दिया है 3 वोल्ट। अब हम करंट की यहाँ पे जो आईडी है ड्रेन करंट को भी मेजरमेंट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए करंट थोड़ा सा हल्का इसमें क्या है, डिवीजन हुआ है। तो और आप इसमें देख सकते हैं कि इसका पर डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो इसने एक डिवीजन वेरिएशन करा है, तो इसका 0.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम आगे करते जाएंगे, और एक बार फिर हम VGS को आगे बढ़ाएंगे 4 वोल्ट पे। तो देखिए बिल्कुल कितनी तेजी से ये वेरिएशन करना शुरू कर रहा है। तो आप देखिए, तो इट मींस यहाँ पर ये पहुंच चुका है 1, 2, 3, 4, 5। तो 0.5 का एक डिवीजन है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 2.5, 4 वोल्ट पे 2.5 मिली एमीटर। सो ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया किस तरह से हम इनहेंस मोड के लिए करंट, वोल्टेज ग्रेन टू गेट टू सोर्स, और आईडी ड्रेन टू ड्रेन के लिए ड्रेन करंट, जब हमारे पास VDS कांस्टेंट होता है तो हमारे पास इस तरह से रीडिंग आती है। अब इसके बाद हम इसके लिए ग्राफ डिनोट कर लेते हैं V और आईडी में। सो नाउ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था इसमें कि हमने VDS को कांस्टेंट रख के यहाँ पर, तो आगे आप और VDS को कांस्टेंट रख के अलग अलग VGS और ID के बीच रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो VDS और ID के बीच आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे मोड की, हमारे पास जो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि हम इस समय क्या कर लेंगे। तो पहले हम इसे ऑफ में देखा हमने,
ऑन करेंगे। इस बार ही हम VGS को कांस्टेंट रख देते हैं, VGS हमारे पास जो VGS है इसे कांस्टेंट रख लेते हैं। मान लो सपोज हमने इसको 2 वोल्ट पर कांस्टेंट रख लिया, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए VDS के लिए एनहांसमेंट मोड के लिए VDS इज कांस्टेंट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए VGS इज कांस्टेंट। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए VGS कांस्टेंट हो जाता है और हमने इस बारी VGS को 2 वोल्ट पे लिया है। अब हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो आएंगी VDS और ID के बीच, ये वोल्ट में होगा और ये मिली एमीटर। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, अब हम इसे वेरी करवाएंगे VGS को VDS को। आप जानते हैं इसमें 0.2 वोल्टेज का पर डिवीज़न है, तो हमारे पास सबसे पहले हम इसे 2.5 पे लेके जाए, 2.5, तो 2.5 पे देखा आपने हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं हुआ है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आया है 2.5 वोल्ट में, 0 मिली एम्पियर। उसके बाद हम इसे 2.5 से आगे वेरी करवाते हैं 5 वोल्ट में। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। उससे पहले हमने एनहेंसमेंट मोड को पढ़ा था, तो एनहेंसमेंट मोड में हमने जैसे कि इस तरह से रीडिंग निकाल ली थी, और अब हम क्या करेंगे आपके पास हमारे पास आते हैं नया दूसरी रीडिंग हम निकालेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या कर देते हैं VGS इज कांस्टेंट, और VGS को जब कांस्टेंट कर लेते हैं तो हमारे पास VGS को कांस्टेंट कर लेते हैं हम कहीं किसी वोल्टेज पर। ओके अब हम सबसे पहले इसके लिए ऑन कर लेंगे इसे और हम VGS को वेरी करवाएंगे। डायग्राम इसका कनेक्शन जो रहेगा बिल्कुल पहले जैसे इनहेंसमेंट मोड की तरह ही रहेगा। अब VGS को हम वेरिएशन कर रहे हैं, वेरी करवा रहे और इसे हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 वोल्ट का, तो अब VGS इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब हमारे पास इसके लिए वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स और ID आएगा, ड्रेन करंट VDS वोल्ट में रहेगा और ID मिली एम्पियर। तो VGS को हमने 3 वोल्ट में करा है, तो VDS को देखते हैं VDS के वेरिएशन करवाते हैं। VDS को अगर हम क्या करें देखिए एक डिवीजन लेके पहले 0.5, तो आपका करंट जो बड़ा है करंट बड़ा है 0.25, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स का पर डिवीजन 0.25 है, इसका एक डिवीजन 0.25 है, इसलिए हम एक सिर्फ हमने इसको एक डिवीजन बढ़ाया है। और आपके पास जो है मिलीमीटर आया है 0.25 वोल्ट और 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद हम इसको वेरी करते हैं। अब हम यहाँ पे VDS को आगे बढ़ाते हैं दूसरे एक डिजिट आगे 0.25 से 0.5 वोल्ट पे, तो आप देखना आप करंट कितना वेरी हुआ है, करंट में वेरिएशन बिल्कुल 0.5 ही। और इसके बाद हम 0.5 से इसके 0.75 पे ले जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी करंट इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो रीडिंग है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, VGS को चेंज करते हैं 3 वोल्ट से आगे 4 वोल्ट। ओके अब इस बारी हम VGS को 3 से 4 वोल्ट पर कांस्टेंट कर देते हैं।
VGS को 4 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया हमने, अब हमारे पास जो VDS इन वोल्ट में आएगा और ID ड्रेन करंट मिलीएम्पियर, तो हम चेक करेंगे वो VDS को आगे वेरिएशन कर देंगे। तो 0.5 पे हमारा जो करंट आए हैं वो 1-2 डिवीजन आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये आ चुका है आपके पास 1 मिलीएमीटर, क्योंकि इसका जो पर डिवीजन है 0.5 है, इसलिए 2 डिवीजन आगे बढ़ा है, इसलिए 1 मिलीमीटर। आगे वीडियोस को वेरी करवाते हैं, अभी हमने 0.5 लिया है, 0.75, तो 0.75 में आपके पास जो मिलीमीटर है उसकी जो करंट आई है वो आई है 2.5। तो इस तरह से ये वेरिएशन करता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए भी, तो आप देख सकते हैं इसके लिए। ये हम इसको वन पे ले लिया 1 वोल्ट पे, और हमारे पास जो करंट है बिल्कुल 2.5। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लिया है इसका, और ये एक टाइम में वेरिएशन इसका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है करंट का, ड्रेन करंट का, और हमारे पास इसके जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं आईडी और VDS की, तो ये भी बिल्कुल कुछ इस तरह से आपके पास पहले करंट धीरे धीरे बढ़ती है और एक टाइम में कांस्टेंट हो जाती है, इस तरह से ग्राफ है। तो ओके स्टूडेंट, हमने अभी तो जो पढ़ा मॉस्फेट्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और एनहेंसमेंट मोड को मेजरमेंट करने के लिए यूज करा जाता है इसमें, तो इसका था ये वेरिएशन करने का और रिकॉर्ड करने का ये डायग्राम, ये वर्किंग विद द मॉस्फेट, किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इसको फाइल में, इसकी रीडिंग नोट करेंगे, तो ये हमने पढ़ा आज।